आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए पोहे के कटलेट्स, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिशिताज प्योर वेजिटेरियन किचन। आज मैं बहुत सोच रही थी कि क्या नई वीडियो डालूं, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज सुबह मेरी मम्मा पोहे बनाई थी और वो थोड़े से बच गए थे और कोई भी नहीं खा रहा था उसको, तो मैंने सोचा कि कोई क्यों ना उसी को यूज़ करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे की कटलेट। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कीप ऑन वॉचिंग। चलिए यम्मी सा नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पोहे जो बने हुए होते हैं, और अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और ये हमारे जो पोहे हैं इसको मैं हमारे ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसके साथ मैं डालूंगी हमारा ब्रेड। यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ब्रेड लिया है और अब हम इसको हमारे पोहे के साथ ही इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब मैं इसको डालूंगी हमारे बाउल में। एक चम्मच की मदद से इसको निकाल लेंगे और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हमारे बीटरूट। इसको मैंने एक छोटा बीटरूट लिया और इसको अच्छे से श्रेड कर लिया है। यहाँ पे मैं एक वो डालूंगी और आपको जो है इन सब की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं डाल दूंगी चॉप्ड कोरिएंडर, रोस्टेड पीनट्स, ग्रीन चिलीज, लेमन जूस, सॉल्ट, एस्पर्टेस, चाट मसाला एंड जीरा पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे तो बच्चों को बीटरूट का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं होता है, बट ये बहुत अच्छा वे है बीटरूट को इसको स्नीक करने का हमारे रेसिपीज में। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसके कटलेट बना लूंगी। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे कटलेट है वो ऐसे शेप के होने चाहिए और ऐसे ही मैं हमारे सारे जो हमारा मिक्सचर है उसका बना लूंगी। हमारी कटलेट्स जो है वो बन गई है और अब हम इसका तेल चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये तेल गर्म हो रहा है हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, मैं इसको अच्छे से पानी में जो है उसको पतला कर लूँगी और इसका एक पतला सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो इतना पतला होना चाहिए। और जो अब हमारे जो कटलेट है मैं इसको हमारे इस मिक्सचर में डिप करेंगे, अच्छे से पूरा कोट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सूजी लिया है थोड़ा, इसमें भी अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही करते करते हमारे सारे कटलेट ऐसे हम कर लेंगे। ये देखिए, हमारी जो कटलेट है वो हमारे मिक्सचर में अच्छे से कोट हो गई है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, मीडियम हीट में हम इसको डाल रहे हैं, हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी जो कटलेट्स हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। हम लोग स्ट्रेनर में इसलिए निकालते हैं जिससे ये ना क्रिस्पी रहे, वरना फिर ये जो क्रिस्पी नहीं रहेगी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी।
हम ऐसे ही करके सारे कटलेट्स को निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये देखिए कितने क्रिस्पी भी है। और अब मैं इसको हमारे सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। और अब मैं इसके यहाँ पे जो मेरा स्पेस है इसमें मैं डालूंगी धनिए की चटनी। आपको धनिए की चटनी की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पोहे के बने हुए कटलेट्स तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू।